स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और तुम्हारे भाई का राइट मुंह हो गया पैरालाइज, बोला ही नहीं जा रहा भाई। यहाँ पे दान होगा काल के अंदर, और इस साइड का मुंह ही नहीं खुल रहा भाई, मतलब इससे नहीं बोल पा रहा मैं। हाँ तो गाइस बात यही है, पता नहीं क्या साला हो गया इधर, दांत में इतना दर्द हो रहा है ना इस वाले में, दांत में नहीं गाल में दर्द हो रहा है, किसी थप्पड़ मारा हो खींच के, मगर मारा किसी ने नहीं है। और सबको पहले तो हैप्पी दशहरा भाई, आज दशहरा, और अभी फूकने वाला थोड़ी देर में रावण, नीचे से मेघनाद ही फूकेगा और कुंभकर्ण ही फूकेगा। और अभी हम खा रहे हैं भाई, ये दिख गया भाई सबको क्या, बूरा चावल एज यूजुअल फेवरेट हमारे। और सुबह दशहरा लिया है पूज, और अभी तो यही सीन है, तीन बच्चों के थोड़ी देर में चलेंगे हम लोग बाहर, फुल रावण दहन करेंगे, हम नहीं करेंगे मतलब लोग करेंगे, हम देखेंगे। पटाखे बम पटाखे फूटते दिल्ली में, तो अभी फूटते हैं दिवाली पे, तो क्रेज़ खत्म बम पटाखों का। पहले तो साढ़ा 5-5 हज़ार बम की लड़ी, 1,000-1,000-10,000 बम की लड़ी हर कोई फोड़ता था, हमने ही फोड़ी है। अब तो क्रेज़ ही खत्म हो चुका है पटाखों का, और कुछ गवर्नमेंट भी साड़ी ऐसी आ रखी है 10 साल से, हर साल पटाखों पर बैन लगा देती है। दिल्ली हिंदू फेस्टिवल पर हर कोई सेकुलराइज और लिबरलाइज होता है, और सारे फेस्टिवलों पर कोई नुकसान नहीं, हिंदू फेस्टिवल पर ही गाइस पोल्यूशन होगा। इसराइल और पैलेस्टाइन की वॉर में कोई पोल्यूशन नहीं है, यूक्रेन की वॉर में कोई पोल्यूशन नहीं है, इंडिया थोड़े से पटाखे फोड़ ले उसमें बहुत दिक्कत है लोगों को भाई। आज तो पार्किंग की हालत देखो, पूरी फुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और भाई अपन निकल चुके हैं अभी तो रामलीला के लिए, मंगला भाई आ रहे गाड़ी में से थोड़ा सामान लेना था तो वो लेने आया हूँ। अब तो मैं फिलहाल गाड़ी नहीं लेकर जा रहा आज मैं, अपन आज करेंगे कार पुलिंग मंगला भाई के साथ, क्योंकि यार गाड़ी में फंसाने वाली बात हो जाएगी आज, इतनी कुत्ता भीड़ होएगी ना, आपको मैं दिखाऊंगा ऐसे कीड़ियों की तरह इंसान दिखेंगे। तो फिलहाल तो अभी 2 मिनट में आ गया मंगला भाई, ये दलाल भी टाइम लगा था बहुत ज़्यादा आने में, तो यही सीन। और मेरे से ना बोला जा रहा भाई, मैं तो मर गया यहाँ, इतना दर्द है ना मतलब दिखा नहीं सकता मैं आपको, इतना दर्द है ना अंदर, नाश हो गया मेरा, मतलब ऐसा गुटखा खाने वाले को मुँह इतना ही खुलता है ना, बस इतना ही खुल रहा तुम्हारे भाई, मतलब मम्मी वगैरह गुटखा खाना शुरू कर दिया मैंने। अभी 5 रावण 4 रावण दिख गए, 3 ये रहे और एक गाड़ी चला रहे साला। ओह VIPO के साथ बैठे आज तो हम भागे भाई, फुल कुर्ता पजामा लेते रही बहन का सिस्टम चला रखा है। ये लो भाई थोड़ी देर में इनका बहिष्कार दान हो जाएगा। हाँ जी गाइस, अरे यार लगवा दे भाई सामान सुमुन है यार, अरे जगह दिख रही है मेरे को यार, खाली पड़ा है पूरा का पूरा। अरे व्लॉग में आ रहे हो, व्लॉग व्लॉग खोल दे यार, खोल दे व्लॉग, खोल दे भाई खोल दे, अरे कुछ खोल दे, वीडियो बना रहा है और कुछ नहीं है, खोल दे। नमस्ते अंकल, व्लॉग लोग कह रहे भाई। अरे बड़वा भाई भागेश भाई, ये चकमक कब काम आएगा, ये ताऊ जी के इतने बर्तन, कल हमारी खुली गई थी, इतने बर्तन बांट दिए साले, इतने तो पूरे नरेला वाले एक दिन में नहीं खरीदते। गाड़िया अभी फाइनली अंदर तो गाड़ी घुसा दी मंगला भाई की, फुल चौड़ है गाड़ी उसके छाती पर से लेकर गया कि तेरी भेड़ की साले, हाँ सही सिस्टम है मंगला भाई का, रुपए खर्च रखे हैं मोटे मंगला और ने भाई। VIP एंट्री होते हुए मंगला भाई की बॉडी गार्ड की तरह साथ चल रहा है। पसंद सिर्फ चकमक बर्तन, चकमक की ओर से साप्रेम भेंट प्रवीण लाकड़ा जी को, और मैं प्रवीण लाकड़ा जी के साथ।
फाइनली रावण आ चुके हैं, मंगल आग लगाएंगे। आप लगा रहे हो ना? और कौन लगाएगा? हाँ सही बात है। अरे नहीं, और फूल ही तो थे। जय श्री राम। देख के बाहर फाइनली मेघनाथ खुल गया, मिट्टी का तेल तो जल चुका है, तेल छिड़क रहे मिट्टी का। ये राम भगवान आ गए हमारे बीच। अरे पीछे हो जाओ, चोट चाट लग जाएगी ना, मारा मारा वो हो जाएगा। पीछे हो जाओ अंकल जी का। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। भाई जय श्री राम।
जीमू हाय मेरी बेबी सोफे में मजा आया नीचे देख ओए ओए खीरा खीरा निकला आपके घर में खीरा का क्या खा रहे हैं टमाटर कल रात को जा रहे थे लेने स्कूल में जा रहे थे बड़े छोटे ले छोटे आलू खीरा ये बढ़िया था। गाइस हमने ले लिया नया कुत्ता। जिमी, जिमी चू। जिमी। यो, हे गाइस, तो भाई देख लिया सबने रावण को दहन होते हुए और एक बार जोर से सारे कमेंट कर दो जय श्री राम भाई। और भाई इतने पास से रावण दहन देखा ना जितना लगा लो बस इतने पास से जितना आप और हम है ना भी कैमरे और मैं इतने पास से रावण को दहन टच कर दिया था तुम्हारे भाई ने था रावण को आज बिल्कुल मजा आ गया भाई देख के। यश भाई थे हमारे उन्होंने रावण दहन करा था दोस्त है अपने बड़े भाई तो भाई मजे आए देख के काफ़ी बढ़िया वो था सारा रावण दहन वगैरह सब रामलीला वगैरह ख़त्म नवरात्रि खत्म दशहरा ख़त्म तो अब दिवाली आने वाली है इंडिया में त्योहारों की कोई कमी नहीं दिवाली खत्म फिर क्रिसमस क्रिसमस खत्म फिर न्यू ईयर खत्म फिर होली होली खत्म फिर तुम्हारे भाई का बर्थडे आता है होली खत्म होने के बाद तो दो महीने बाद तो यही सीन है और तुम्हारे भाई का राइट साइड से पूरा खत्म है बिल्कुल मर गए तो ये सीन है और भाई आज का व्लॉग तो यही एंड करते हैं और आई होप आप सबको पसंद आया होगा लाइक कर दो कमेंट कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दो और पांच चीजों में सबको बताइए क्या करना है जय श्री राम तो भाई बाय बाय कुशल गर्ग साइनिंग ऑफ फिर मिलते हैं आपके आप लोगों को एक और नए ब्लॉग के साथ।